दोस्तों, ट्रांसपोर्ट एक ऐसा माध्यम है जो हमारी आम जिंदगी में एक अहम भूमिका निभाता है, लेकिन कभी कभार ये ट्रांसपोर्ट ही हमारी जिंदगी में कई सारी मुसीबतें खड़ी कर देता है। क्योंकि अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड, स्त्री या फिर माँ बहन के साथ लोकल ट्रेन में सफर करते हैं, तो दोस्तों आप लोग अभी सावधान हो जाइए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको लोकल ट्रेन में हुई एक ऐसी वारदात के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। वैसे देखा जाए तो ज्यादातर लोग ही लोकल ट्रेन से सफर करना पसंद नहीं करते, लेकिन कभी कभी मजबूरन ऐसा हमें करना पड़ जाता है, कभी पैसों की कमी की वजह से तो कभी रिजर्वेशन न मिलने पर। कई लोग लोकल ट्रेन से जाने को मजबूर हो जाते हैं, लेकिन कुछ देशों में लोकल ट्रेनों में माँ बहनों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है जिसे जानने के बाद आप लोकल ट्रेन से जाना पसंद नहीं करेंगे। और अगर आप शादीशुदा है तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक लोकल ट्रेन में एक बार एक लड़की के साथ बहुत ही बुरा हादसा हुआ था। उस ट्रेन में उस पर पूरी रात तरह तरह के टॉर्चर किए गए थे और उसे कई बार खराब गाने भी सुनाए गए। इसके बाद उन लोगों ने उस लड़की को अश्लील वीडियोस भी दिखाया, और जब इससे भी उन लोगों का मन नहीं भरा तो उन्होंने उसे गंदे तरीके से छूने की कोशिश की। उस ट्रेन में हजार हजार लोग बैठे हुए थे और इस घटना को अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी अपने मुंह से एक भी लफ्ज नहीं निकाला। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो हमारे देश में बहुत सारे लोकल ट्रेन हैं, और कुछ शहरों में तो ये लोकल ट्रेन वहां के लोगों के लिए एक लाइफ लाइन की तरह है। लेकिन इन सब लोकल ट्रेन में भी आपको कुछ ऐसे बदमाश किस्म के लोग मिल जाएंगे जिनकी वजह से काम करने वाली महिलाओं से लेकर कोई साधारण घरेलू लड़की भी लोकल ट्रेन में जाने से डरती है। लेकिन यहाँ पर हम मुंबई के लोकल ट्रेन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं बिहार के लोकल ट्रेन की। और अभी हम जिस घटना के बारे में आपको बता रहे हैं वो घटना बिल्कुल सच है, इसलिए आज के इस वीडियो को अंत तक देखिए। लेकिन उससे पहले, आप में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से नीचे के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसके साथ ही पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। उस दिन रात के 8 बज गए थे। पटना से गया जाने वाली एक ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ गई थी। इसी ट्रेन में लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे, क्योंकि ये ट्रेन एक लोकल ट्रेन थी इसलिए इस ट्रेन में रिजर्वेशन का कोई सवाल ही नहीं था। उसी ट्रेन में पटना से एक वृद्ध महिला अपनी 11 साल की पोती के साथ सवार हुई थी। ये ट्रेन पटना से सीधा गया की ओर जाती है और ये ट्रेन रात के वक्त ही चलती है। पटना से गया जाने वाले इस ट्रेन के रास्ते पर बहुत सारे छोटे छोटे गाँव पड़ते हैं, इसलिए ट्रेन ज्यादातर उन सब यात्रियों से भरी रहती है जो इन गाँवों से जाकर पटना में मजदूरी का काम करते हैं। उस दिन रात के 8 बजे थे और सभी यात्री उस ट्रेन पर सवार हो चुके थे। खुशकिस्मती से उस वृद्ध महिला और उनकी 11 साल की पोती को बैठने के लिए जगह भी मिल गई थी, लेकिन उस वक्त 200 से लेकर 300 जवान लड़के उस ट्रेन में कुछ भी करके चढ़ गए थे। ट्रेन बड़ी तेजी से अपनी मंजिल की ओर दौड़ रही थी और तभी अचानक उन जवान लड़कों में से एक लड़का भीड़ से बाहर निकलकर उस 11 साल की लड़की के सामने आकर एक अलग अंदाज में खड़ा हो गया, और फिर उसने अपने पॉकेट से अपने मोबाइल फोन को निकाला और उस फोन में अश्लील किस्म की भोजपुरी गाने चला दिए। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि ट्रेन के उस कंपार्टमेंट में सवार सभी यात्री उस घटना को चुपचाप देख रहे थे, और जो बाकी लड़के इस लड़के के साथ ट्रेन में सवार हुए थे वो भी इसका मजा ले रहे थे। वो लड़का उस 11 साल की लड़की को देखकर ऐसे अश्लील गाने चला रहा था और नाच रहा था। उस लड़के के बाकी दोस्त भी कभी इस लड़की को देखकर इशारे कर रहे थे तो कभी उसके पास जाने की कोशिश कर रहे थे। जरा एक बार सोचिए उस 11 साल की लड़की के ऊपर उस वक्त क्या गुजर रही होगी जिसे अब तक ईव टीजिंग का मतलब भी नहीं पता। वो ट्रेन तेजी से अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी, लेकिन इन लड़कों की बदतमीजी तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत देर तक इन सब चीजों को देखने के बाद उस लड़की के एकदम बगल में बैठे एक बूढ़े आदमी ने उस लड़के से कहा, क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? तब अचानक उन लड़कों की भीड़ में से एक लड़का गुटखा चबाते चबाते बिहारी अंदाज में कहा, चाचा आप चुप बैठो, ज्यादा बोलोगे तो ट्रेन से बाहर फेंक देंगे आपको। ये बात बोलकर वो लड़का और उसके सभी दोस्त जोर से हंसने लगे, लेकिन तब भी उन लोगों ने उस छोटी सी लड़की को सताना बंद नहीं किया। उस वक्त रात के करीब 11 बज गए थे और उस ट्रेन के बाकी सभी यात्री भी गहरी नींद में थे, लेकिन वो लड़का तब भी अपनी बुरी नजरों से उस छोटी सी बच्ची को देख रहा था। इसके कुछ देर बाद उन लड़कों में से कुछ लड़के अचानक से उस लड़की के बिल्कुल पास में आकर खड़े हो गए और उस लड़की को अश्लील तरीके से यहाँ वहाँ छूने की कोशिश करने लगे। उनमें से कुछ लड़के उस बच्ची के पीछे हाथ लगाने लगे तो कुछ लड़के उस लड़की के सामने की तरफ हाथ देने लगे। ऐसा करके उन लोगों ने कई बार उस लड़की को गलत तरीके से छूने की कोशिश की,
लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उस ट्रेन में ना तो कोई पुलिस थी ना ही कोई टिकट कलेक्टर। इन सब के बीच वो वृद्ध महिला अकेली कर भी जा सकती थी, इसलिए उन्होंने बार बार उन लड़कों से ऐसा न करने की विनती की। तब उन बदतमीज लड़कों ने उनसे कहा कि इतनी भीड़ में हाथ तो इधर उधर लग ही जाता है, अगर आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है तो आप ट्रेन से उतर जाइए। अब आप ही बोलिए, बात सुनकर वो वृद्ध महिला आखिर कर क्या सकती थी। लेकिन उस ट्रेन में तब भी बहुत लोग मौजूद थे और वो लोग चुपचाप इस घटना को देख रहे थे, उनके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। बहुत देर के बाद जब उस लड़की के एकदम बगल में बैठे एक आदमी ने उन लड़कों का विरोध करने की कोशिश की थी तो उन लड़कों ने उसे भी चुप करवा दिया। तब वो आदमी कहने लगा, ये तो इन लड़कों का रोज का काम है, हर रोज कोई ना कोई लड़की इन लड़कों का शिकार बन जाती है, और कभी अगर किसी व्यक्ति ने उन लड़कों का विरोध करने की कोशिश की तो ये लड़के मिलकर उसे पीटने लगते हैं, और बात ज्यादा बढ़ जाने पर ये लड़के मिलकर उस आदमी को चलती हुई ट्रेन से बाहर भी फेंक देते हैं। लेकिन कभी कभार ट्रेन के सभी यात्री एकजुट होकर इन जैसे लड़कों को पीट देते हैं, तब ये लड़के स्टेशन आने तक का इंतजार करते हैं, और ट्रेन स्टेशन पर आते ही ये लड़के अपने गांव से 300-400 लोगों को बुलाकर साधारण यात्रियों को ही पीटने लगते हैं। यह हर रोज की बात है। लेकिन दोस्तों, जब धीरे धीरे सुबह होने लगती है और ट्रेन जहानाबाद स्टेशन पर आ पहुंचती है, तब इन बदतमीज लड़कों की भीड़ भी कम होने लगती है। और जब ट्रेन जहानाबाद स्टेशन पर आकर रुकती है, तब करीब 75 लड़के ट्रेन से उतर जाते हैं। लेकिन पिछली रात को इन लड़कों ने ही उस 11 साल की लड़की को तरह तरह से सताने का एक भी मौका अपने हाथों से जाने नहीं दिया, और रात भर उस वृद्ध महिला ने अपनी पोती को बचाने के लिए उन लड़कों से लड़ती रही और उनसे विनती करती रही। इसलिए उस रात को जितने भी लोग उस ट्रेन में मौजूद थे वो कभी भी इस घटना को भूल नहीं पाएंगे। इसके बाद जब वो ट्रेन आकर जहानाबाद स्टेशन पर रुकी, तब उस वृद्ध महिला और उसकी पोती को थोड़ी राहत मिली, और उसके बाद उस ट्रेन में रेल पुलिस और टिकट कलेक्टर को भी देखा गया। लेकिन पटना से लेकर जहानाबाद तक के रास्ते पर कोई रेल पुलिस या फिर टिकट कलेक्टर मौजूद ही नहीं था। शायद वो लोग भी इस रात को हुई वारदात के बारे में वाकिफ थे, और शायद इसीलिए उन लोगों ने उस वक्त ट्रेन पर सवार होना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन जरा सोचिए, कभी कभार आपको मजबूरन अपने परिवार के साथ बिहार के किसी ट्रेन में सवार होना पड़ गया और आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हो गई तो आप क्या करेंगे? कैसे अपनी माँ बहन को इन जानवरों के हाथों से बचाएंगे? एक तरफ जब भारत सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन देती है, तो दूसरी तरफ इन सब घटनाओं के दौरान भारत सरकार क्यों चुप्पी साध लेती है, क्यों इन लोगों को कठोर दंड नहीं देती? और ये अब एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। और अगर फिर कभी किसी महिला की सम्मान हानि होने की घटना सामने आती है, तभी लोग फिर भाषणबाजी करके चले जाते हैं और लड़कियों को पूरी तरह से ढके हुए कपड़े पहनने का निदान देने लगते हैं। जरा सोचिए, ऐसे बेबस और डरपोक नेताओं के साथ आखिर क्या करना चाहिए? क्यों इन लड़कों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाती? ये सवाल उस ट्रेन पर सवार सभी यात्रियों के मन में उठता होगा। वो लोग भी प्रशासन से यही पूछना चाहते हैं कि घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन क्या कदम उठा रही है। लेकिन सरकार के लोगों को ये बात पता है कि उस ट्रेन पर हर रोज क्या चलता है, और वहां के प्रशासन भी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है। लेकिन इसके बाद भी ये लोग कोई ठोस कदम नहीं उठाते। इन सब चीजों को देखकर हमें तो ये लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन सिर्फ वोट और राजनीति करने का एक फंडा है, क्योंकि इन सब घटनाओं के दौरान ये स्लोगन कहाँ गायब हो जाते हैं ये तो सिर्फ हमारे नेता ही बता सकते हैं। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि कभी अपने परिवार या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर बिहार के किसी लोकल ट्रेन पर सवार मत हो जाना, और अगर वो ट्रेन रात के वक्त हुई तब तो बिल्कुल भी नहीं। और इसको लेकर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट में बताना। इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप में अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाए और ये बदतमीज लड़के दोबारा ऐसी हरकत करने की हिम्मत ना करें।